तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको इस ऐप के बारे में। ये ऐप है यूको वॉइस रिकॉर्डर। इसमें जो है आप बहुत ही आसानी से आप गाना रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और इसमें जो है कैसे आपको गाना रिकॉर्डिंग करना है, कैसे आपको अपने मेमोरी में जो है सेव करना है, और मैं आपको जो एक गाना भी गा के बताऊँगा आपको, ठीक है। तो इतना सारा कुछ मैं इस वीडियो में इस ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को कर देना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाला ऐप है और इस ऐप को जो है कैसे डाउनलोड करना है वो भी चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, मगर उससे पहले जो है मैं आपको इस ऐप को कैसे यूज करना है वो चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस ऐप को यूज करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना होगा, बाकी कैसे डाउनलोड करना है वो जो है आगे मैं इस वीडियो में आपको बता दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक होने के बाद जो है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये तीन लाइन पे सबसे पहले आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक होने के बाद जो है अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इको इफेक्ट, ठीक। तो इस पे आपको करना क्या है कि क्लिक कर देना है और ये जो है ऑन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे रिकॉर्ड बटन है, ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो है नीचे वाले टैब टू रिकॉर्ड पे आपको क्लिक कर देना। और उसके बाद जो है यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ क्लिक हो गया ये वाला टैब टू रिकॉर्ड पे, तो आपको जो है कैंसिल कर देना है, ठीक। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये जो है इतना सेटिंग करना होता है इसमें। अब उसके बाद जो है आपको करना क्या है कि इस बीच वाले आइकॉन पे रिकॉर्ड पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब आपको बता देता हूँ कि करना क्या है, ठीक। तो इसमें जो है आपको कोई एक बढ़िया सा जो है गाना गाना है और रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो मैं आपको जो है अभी एक ओल्ड सॉन्ग जो है इसमें गा के आपको बताने वाला हूँ, बाकी न्यू सॉन्ग भी आप गा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं पुराना गाना आपको गा के बताऊँगा। तो इसके लिए जो है इसमें गाना रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना होगा और क्लिक करने के बाद जो है ये रिकॉर्डिंग चालू हो गया और उसके बाद जो है इसमें आपको गाना गाना होता है। तो चलिए अब जो है मैं आपको गा के बता देता हूँ, ठीक है। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, बन सबर के निकले जैसे चलती हो चंचल हसीना, अरे पूछो तो कौन है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा। तो मैं जो हूँ इसमें गाना गा लिया हूँ। अब उसके बाद जो है मैंने बीच वाले पे क्लिक किया था, तो एक बार जो है बीच वाले पे आपको क्लिक कर देना है और ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग होने के बाद आपको करना क्या होता है कि आपको जो है सुन के देखना है, तो आप सुन के देख सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको जो है सेव करके मैं आपको बता देता हूँ। तो सेव करने के लिए आपको करना क्या हो कि यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है, तो ये जो है रिकॉर्डिंग सेव हो गया, ठीक है। सेव होने के बाद ये कहाँ पे दिखेगा, तो आपको जो है करना क्या है कि यहाँ पे जो है तीन लाइन पे क्लिक कर देना है। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद जो है यहाँ पे फिर जो है रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है। रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद जो है नीचे आप देख रहे हो सेव का बटन, तो आपको सेव पर क्लिक कर देना है, आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है नीचे जो है आपको ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक। और ये चीज़ जो है सेव हो गया आपके मेमोरी में, ठीक है। तो सेव होने के बाद जो है अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जो है सुना के, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको सुना के दिखा देता हूँ। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा महबूबा, बन बन सबर के निकले जैसे चलती हो चंचल हसीना,
अरे पूछो तो कौन है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा। तो जैसे कि आपने ये गाना जो है सुना, और इस प्रकार का जो है रिकॉर्डिंग होता है इस ऐप से, ठीक है। मगर मेरा जो है थोड़ा सा स्पीकर का जो आवाज़ है वो फटा हुआ है, तो आपको सही तरीके से जो है HD क्वालिटी में जो है आपको सुनाई में नहीं दिया होगा। तो कोई बात नहीं, आप जब अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करोगे तो आप अपने मोबाइल से अच्छा खासा रिकॉर्डिंग करना और सही से रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। तो आपका जो है स्पीकर ठीक रहेगा तो आपको जो है सही सुनाई में देगा। बाकी मेरे मोबाइल का स्पीकर थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए जो है आपको सही से सुनाई नहीं दिया होगा, यानी फटाफटा आपको आवाज़ सुनाई दिया होगा, ठीक है। बाकी आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकार से जो है इसमें रिकॉर्डिंग होता है और उसके बाद जो है इसमें सेव होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा इसमें कि कहाँ पे जो है ये सेव होके मेमोरी में गया है, ठीक है। बाकी इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखो इसी तरीके से आपको इसको यूज कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ फाइल मैनेजर में जाके कि कहाँ पे ये जाके रिकॉर्डिंग हुआ है, कहाँ पे जाके जो है ये सेव हुआ है। तो यहाँ पे जो है हम करेंगे क्या कि फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जो है मेरा फाइल मैनेजर ये है, और मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नीचे की ओर जाएंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद ये जो है ओपन हो चुका है, और ओपन होने के बाद जो है आपको यहाँ पे डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इको का एक फाइल बन के मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। और ये जो है आपका सॉन्ग रहा जो आपने रिकॉर्डिंग किया है, ठीक है। बाकी आपको इसी प्रकार से जो है रिकॉर्डिंग करना है। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है रिकॉर्डिंग हो गया आपके जो है इंटरनल मेमोरी में जाएगा, ठीक है। आपका जो फाइल मैनेजर होता है जो आप अलग से मेमोरी लगाते हो उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर जो है इस ऐप का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करना। तो चलिए, अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं अगले वीडियो में।